हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह के बारे में समझाया था। आज हमारे सामने उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्शन या व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं आते, रेज योर हैंड। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो आज मैं आपको पहले डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की समस्या यही है कि उन्हें अभी तक डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं आता। तो आज हम लोग स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में केवल डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखने के लिए पूरा अटेंशन आपको बोर्ड पर देना ज़रूरी है। ये मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये लिखा है यूनिट और ये लिखा है डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, आप ऐसे समझें, आलू, टमाटर, बैंगन, गोभी, ये सब क्या है? सब्जियाँ हैं कमीनो। क्लियर? बोलो भैया। आम, केला, पपीता, सेब क्या है? फ्रूट्स। आपको मालूम है ये फलों की लिस्ट में आएंगे ये सारे नाम। थोड़ी देर पहले जो नाम लोग बोले थे वो सब वेजिटेबल्स की लिस्ट में आएंगे। सिमिलरली अगर कोई पूछे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये क्या है? बहुत कमीनो तुमने भाई देख ली ये ताते। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो भैया हर वो क्वांटिटी जिसे नापा जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या बोला मैंने? All those quantities which can be measured is called physical quantity. क्या बोला मैंने? All those quantities which can be measured is called physical quantity. Mass, तराजू बांट से नप जाता है। मास बोले तो वजन, तराजू बांट से नप जाता है। लेंथ इंची टेप से नप जाती है। टाइम घड़ी से नप जाता है। टेम्परेचर थर्मामीटर से नप जाता है। और करंट, अब तो पढ़े लिखे मीटर से करंट नाप लेते हैं। क्लियर है? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें नापा जा सकता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब बात आती है यूनिट। यूनिट वो होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है। यूनिट वो होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मास, तो हम सब लोग जानते हैं मास की यूनिट किलोग्राम होती है। लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, समझ जाओगे ना, एस फॉर सेकेंड। टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस अथवा केल्विन, समझ जाओगे। और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। सीन क्लियर है? कहा हुआ को परेशानी। अब बात आती है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। काय की? मास, स्पेलिंग एम से चालू है, ताते जाको डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपिटल एम। लेंथ, स्पेलिंग एल से चालू है। टाइम, टेम्परेचर, अब मैं इसे टी नहीं दे सकता क्योंकि टी ऑलरेडी टाइम को दे चुका हूं। मैं बोल रहा हूं तो टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जो यूज करते हैं वो या तो थीटा या फिर के। क्लियर? टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं कभी भी अगर आपसे पूछूं तो आप बोलना या तो थीटा या फिर के। दोनों ही इस्तेमाल में, दोनों ही चलन में, काफी ज्यादा यूज में आते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? करंट, करंट का एम्पियर, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यूनिट वो होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है। मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, करंट की यूनिट एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला मास, एम से स्पेलिंग चालू है तो कैपिटल एम। लेंथ, एल से स्पेलिंग चालू है कैपिटल एल। टाइम का कैपिटल टी। टेम्परेचर को टी नहीं दे सकता क्योंकि टी ऑलरेडी टाइम को दे चुका हूं, इसलिए टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला या तो थीटा होता है या फिर के होता है। करंट का होता है ए, ए बोले तो एम्पियर। इतनी बात समझ में आई? ये टेबल आपको बिल्कुल टकाटक याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको मेरे कहने से, वैसे तो इसको भी निकाल सकते हैं पर मेरे कहने से आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, MLT-2। इससे आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। क्लियर? पहले भी मैंने बताया था, वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखा चुका हूं मैं आपको, है ना। फोर्स का ऐसे, मालती तू, मालती तू,
हो, क्लियर? तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, इतना याद रखना। इससे अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में। कहानी समझ में आई मेरी? yes, सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए तो इस टेबल पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी बंदा, मैं जो भी बात पूछूंगा आपको अपना आंसर बिल्कुल बोलना नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाए आंसर क्या है यू हैव टू रेज योर हैंड, क्लियर? ओके, टेबल आप देख के जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? पहले एक दो मिनट देख के जवाब दो, फिर बगैर देखे देना। मेरा क्वेश्चन है मीटर, मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, हाथ खड़े कर दें जिनका आ जाए। मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बाकी के लोग बुद्धि लगाने का जामे हो तो समझ में नहीं आ रहा मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा है? समझ गए? हाँ, बोलवे की जरूरत ना ने। मीटर मुझे मालूम है लेंथ होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया कैपिटल एल। समझ में आई बात? यही तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्लियर? मैंने पूछा क्विंटल, क्विंटल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बोलना नहीं है, मो भगवान ने एक ही दाव है। क्विंटल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो मुझे मालूम है, देखो पहले क्विंटल मास होता है कि लेंथ होता है कि टाइम होता है कि टेम्परेचर होता है कि करंट होता है, क्या है क्विंटल? मास है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल को बोलेगा, क्लियर है? टन, टन को डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम, क्योंकि टन वजन होता है, मास होता है। मन, मन भी वजन होता है, एक मन में 40 किलो होते हैं, बोलो, तो मन का डायमेंशन फॉर्मूला भी कैपिटल है। आवर, कैपिटल टी, टाइम हो तो ताते, आज समझ में आई है नहीं? ईयर, कैपिटल टी, समझ गए? रेडियस को डायमेंशनल फॉर्मूला, रेडियस है, क्योंकि हमें मालूम है रेडियस लेंथ होती है एक प्रकार की, मीटर में ही नपती है ना? इधर लौट आओ, क्लियर? आप ही से कह रहा हूं, तो रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल। हाँ, कैपिटल एल ही तो बोल रहा हूं, क्लियर है? हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला, हाइट का, हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि हाइट भी एक प्रकार की लेंथ है, मीटर में ही नपेगी, नपेंगी नहीं नपेंगी? सेंटीमीटर को डायमेंशनल फॉर्मूला, तो सेंटीमीटर वो माले में लेंथ है, मिलीमीटर को, समझ गए? हाँ, महान है। केल्विन को है, यह तो के या फिर थीटा, क्लियर? एम्पियर को कैपिटल है, करंट को है, समझ में आ रही है? फोर्स को डायमेंशन फॉर्मूला का है एम एल टी माइनस टू, क्लियर है? पठन ने मोते न्यो का ये कि मैं कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला बताऊं, तो मैं बताऊं यारो, मैंने बचपन में सुना था एम इज इक्वल टू फाइव एस अपॉन आई पी, बताई थी? yes, याद ही है कि भूली गए? याद ही है काय? फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा अपॉन आई पी, सीन क्लियर है? yes, आगे बढ़ रहा हूं। बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट मैंने बचपन में पढ़ा था, न्यूटन की अम्मा, याद है आपको? yes, यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, सीन क्लियर है? ए कौन है? एरिया मीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का यूनिट, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। आई पी क्या है? करंट की यूनिट, महान है। मीटर से स्क्वायर काट दूं, बुरा तो ना लग रहा? लगे लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं।
न्यूटन क्या होता है? न्यूटन फोर्स होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT - 2। ये कौन है? मीटर। बताओ मीटर को डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? तो मुझे मालूम है मीटर लेंथ होती है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल L धद्दम नहीं, यही बात है, सीन क्लियर है? तो जे है जागो लाला तिहाओ M L L L है T - 2 A - 2 सीन क्लियर है? कागज को परेशानी देख लो फटाफट डायमेंशन फॉर्मूला जे ही दो है। दुनिया वालों कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मुझे निकालना था, तो M बराबर φS/IP ये फार्मूला मैंने लगाया था। इसमें φ मैग्नेटिक फ्लक्स था, और ये बात हमने पढ़ी थी जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया था तब, कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर इसके नीचे करंट दिया हुआ है, और मैंने चैप्टर नंबर 3 में ये बताया था कि करंट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। यानी म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए मुझे इन दोनों पे डिपेंड होना पड़ रहा है, और ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। क्लियर है? वही नोट में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए समझ जाएंगे। ओके तो म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन कल हम लोगों ने समझ लिया था अच्छे से। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हिच इज प्लेस्ड नियर बाय द फर्स्ट कॉइल, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप बताओ म्यूचुअल इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट कब पैदा हो रहा था? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था। किस में? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? लेकिन सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार प्राइमरी कॉइल था, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था। सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा हुआ था, और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए जिम्मेदार कौन था? प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या सेकेंडरी कॉइल का खुद का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा था क्या? वो किसके टुकड़ों पे पल्ला था? प्राइमरी कॉइल, है ना। सेकेंडरी कॉइल का खुद का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, सेकेंडरी कॉइल में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स आया उसके लिए जिम्मेदार प्राइमरी कॉइल थी। आपको मेरी बात समझ में आ रही ली है? नहीं आ रही ली? आ रही ली है। चलिए मोतीन यूं कह रहे हो, दो प्लेन सर्कुलर कॉइल हैं, पास पास धत दई, तो उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। ही इज टेलिंग यू drive the relation for the mutual inductance between the two plane circular coils. दो plane circular coils के बीच में mutual induction के लिए relation develop कीजिए। तो मैं करूँ शुरुआत? गौर से देखिएगा यारों, मैंने बचपन में पढ़ा है M is equal to φS upon IP। बोलो भैया जानते कि ना जानते ही? अब मैं कछु बोल रहे हो नहीं हो तुम कछु कहीं हो मत, ठीक है? का ये φS का है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द यानी सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। φ बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला φ बराबर, और अगर n नंबर ऑफ टर्न हो तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स ले रहे हैं, तो n की जगह क्या लिखूं? N2 ये NS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? कोई भाई हमारा NS लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकता है, उसकी इच्छा है भाई, है? किसी की इच्छा को क्यों मारे हम? तो A2 लिख दूं, है? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल है, A2 लिखना चाहो तो A2 लिख सकते हो, अगर आप एरिया A मानना चाहो तो A भी मान सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ना, ठीक है? NBA cos थीटा की जगह एज यूजुअल 0 बटे आईपी। इतनी बात समझ में आई? कहोगे को परेशान है काय? जाम है, मैग्नेटिक फील्ड लिखो है, मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंडरी कॉइल का खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या? किसके टुकड़ों पे पल्ला है? तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेकेंडरी कॉइल में, वो वही मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे लिखो B1। हाँ, BP एक ही बात है, BP लिख दो, प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, या B1 लिख दो,
आपको भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। बढ़ जाऊं आगे? को हुए पीर तो ना है रही कि जे B1 क्यों लिख दो है? है? अच्छी बात है। एम बराबर त्याई है जाई लाला N2/IP जो तो मैंने भैंसों की पता भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल μ0/4π टोपा नहीं यार तो टोपा N I/R गौर फरमाइएगा मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल का ले रहे हो फर्स्ट कॉइल का ले रहे हो तो μ0/4π 2π N की जगह N1 I की जगह 1 लिख सकता हूं लेकिन चूंकि मैंने यहां पे ऑलरेडी IP मान रखा है तो IP बोलो R की जगह R1 क्लियर है ओके कुछ भाई बहन हमारे P बोल रहे हैं कुछ 1 बोल रहे हैं तो जिसकी जो मर्जी हो वो रखे चलेगा कोई इश्यू वाली बात नहीं है ठीक है चलूं आगे IP से IP कट गए क्लियर पाई से पाई कट गए 2 से 4 हटे गए 2 times क्लियर है तो एम बराबर त्याई है इलाला रे μ0 N1 N2 कछु रह गो जाम A2 रह गो चुप करा का A2 की जगह अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे सेकेंडरी कॉइल को एरिया है तो A बराबर पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई R की जगह R2 स्क्वायर स्टेप ही समय में नहीं आया वजह ने कहा करा था इनने तो μ0 भैंसों की N1 N2 धर दू दादा पाई आर टू स्क्वायर बोलो बबुआ अपॉन टू दिस इज द रिलेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल्स गॉट इट गाइस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मोते कह रहा है पट्टा मतलब क्या कह रहा हूं मोते यो कह रहा है कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस वो कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल्स चलो बोलो फैक्टर का कहां है ये नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल चलो बोलो जाए रेडियस ऑफ द और जब वे बोल ही देते समझ गए ना वैसे तो इसमें μr का मल्टीप्लाई होता है तो क्या बोलोगे रिलेटिव परमियबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल है ना तो चलो आ जा बता मैं नीलेश कुमार गुप्ता कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ाना चाहता हूं ऑनलाइन वालों बढ़ाना चाहता हूं तो मैग्नेटिक परमियबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल तुम लोग भी इशारे करो हाँ नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल है इंक्रीजेस है रेडियस ऑफ द प्राइमरी कॉइल है प्राइमरी बोलिए कभी ना मैंने क्लियर रेडियस ऑफ द प्राइमरी कॉइल डिक्रीजेस और रेडियस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इंक्रीजेस नहीं है ये बात समझ में हेलो हेलो नहीं हेलो अरे ये जो आपने रामायण रची है इससे पहले यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिखी जाती है और मैंने सुना है लैंग्वेज में वही लिखा जाता है जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो बाय द वे आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हो प्राइमरी कॉइल में IP करंट फ्लो कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के N2 मान रहे हैं प्राइमरी कॉइल के यहाँ लिख देता हूँ साइड में प्राइमरी कॉइल में करंट IP फ्लो कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न N2 और N1 मान रहे हो रेडियस मान रहे हो R2 R1 बोलो भैया तो बस ये मान रहे हो और ये नहीं है लिख दे Let the current flowing in the primary coil is IP. Let the number of turn in the coils are N1 and N2 respectively. And the radius of the primary and secondary coils are respectively R1 and R2. Then we know that ding dong ding. नहीं है मेरी बात समझे सीन क्लियर है जल्दी से देख लो 2 से 2.5 मिनट का समय दिया उसके बाद फोड़ूंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल सभी लोगों को क्लियर है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग ध्यान से ऑन द बोर्ड है ऑन द बोर्ड ऐसे ही तो करते थे आप प्राइमरी कॉइल ऐसे करंट की वैल्यू में चेंज करते करते नहीं करते इसके पास सेकेंडरी कॉइल थी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया जब आपको पता पारवे के लगे करंट भैरव के ना भैरव
फिर जब मैं करंट की वैल्यू में चेंज करो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तो थोड़ी बहुत लपटें जो के घर में चली गई, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो इसमें इंड्यूस करंट पैदा हुआ, इतना मैंने आप लोगों को बताया था। यस सर नो, क्लियर है? ये मेरा घर है, मेरे घर में आग लगी है तो पड़ोसी के घर में भी थोड़ी बहुत लपटें जा रही हैं जिसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है। मेरे घर में तो आग लगाई गई, मेरे घर में तो आग लगाई गई, वो तो चैन तब पर है गो जब मेरे घर की एक एक चिंगारी, कौन सी गारी? हाँ, मेरे घर की एक एक चिंगारी पड़ोसी के घर में लगे। क्लियर है? मेरे घर में प्रोड्यूस होने वाली एक एक आग की लपट पड़ोसी के घर में जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो बताओ मेरा घर और पड़ोसी का घर कैसे होने चाहिए? चुप चुप, सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है? पहली सिचुएशन, मेरा घर ऐसे हो और पड़ोसी का घर ऐसे हो, एक सिचुएशन तो ये। कंडीशन क्या है समझ गए ना? मेरे घर की एक एक चिंगारी, एक एक आग की लपट का प्रभाव पड़ोसी के घर पे पड़ना चाहिए, समझना मेरी बात को ध्यान से। तो ये मेरा घर, ये पड़ोसी का घर ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए? ये मेरा घर और ये पड़ोसी का घर, चूतिया पंती है पर काम बनता है अपना, है ना? तो कौन सी वाली सिचुएशन अच्छी है? अगर मेरा मकसद ये है कि मेरे घर में प्रोड्यूस होने वाली एक एक चिंगारी पड़ोसी के घर में जाए तो नजारा ऐसा होना चाहिए। क्लियर? यानी पड़ोसी का जो घर हो वो मेरे घर से पूरे तरीके से घिरा हुआ हो। भाषा समझ में आ रही है? बोलो भैया। चूतियों की तरह रिएक्ट ना करें, सोच के और समझ के इधर देखें ऑन द बोर्ड। क्लियर? नहीं तो रील सी निकल जाएगी। यहां पर आप गौर से देखिए, अगर एक सर्कुलर कॉइल ये है तो दूसरी सर्कुलर कॉइल मैंने इसके ऊपर ये कवर कर दी, तो इसमें क्या होगा? जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर पैदा होगा वो पूरा की पूरा इससे लिंक होगा। कहानी समझ में आ रही है आपको? गौर से देखिए, यहां पर फैक्टर, अगर आप कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो रेडियस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल शुड बी इंक्रीज, तो ठीक है ज्यादा हो रही है, समझ में आ रहा है? और प्राइमरी कॉइल की रेडियस कम हो रही है। कहानी समझ में आई? इसका मतलब क्या होगा कि जो सेकेंडरी कॉइल होगी वो प्राइमरी कॉइल को पूरे तरीके से कवर कर लेगी। नहीं है, मेरी बात ही समझ में नहीं, मेरी बात ही समझ में नहीं। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ जाऊं? इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन होगा, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, ड्राइव द रिलेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। क्लियर? कोएक्सियल सोलेनॉइड, क्लियर? कोएक्सियल सोलेनॉइड, ओके? हाँ, तो यही तो बताएंगे। क्लियर है? तो चलें आगे। तो अभी किसी भाई ने हमसे पूछा था ये कोएक्सियल क्या होता है, तो मैं उसे जवाब दूंगा इस क्वेश्चन में, तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। इसे मिटाऊं? दुनिया वालों मोतीजो कह रहा है, ड्राइव द रिलेशनशिप फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, रेडी? भैया लाला रे, मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोएक्सियल सोलेनॉइड मैंने बचपन में पढ़ा था, एम बराबर फाइव एस अपॉन आई पी, बचपन में बताई थी, समझ में आई थी? क्लियर है? जी, मैंने पहला सोलेनॉइड ले लो, इसमें करंट की वैल्यू में चेंज करेंगे, ठीक है? मैं चाह रहा हूं सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होए, तो आप बताओ सेकेंडरी कॉइल जाके बगलते धरूं या जय के ऊपर लपेट दूं? ऊपर लपेट दूं, मतलब ऐसे कहते हैं टी नहीं, यही बात है, सीन क्लियर है? तो जब कॉइल ऐसे हती प्राइमरी कॉइल तो जाको एक्सेस जी है, तो दूसरी जय के ऊपर लपेट दी तो जो को एक्सेस जी है, तो दोनों कैसी हैं? कोएक्सियल। कोएक्सियल वर्ड का मतलब समझ में आया? क्लियर है? तो दीज आर द टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। बोलो बबुआ। समझ गए? चमका दो अब का जी, समझ में आई गो वो? एम बराबर ओ, एक मिनट बात रह गई, फालतू की बातें मत किया करो तुम लोग। ये मैंने जय के ऊपर क्यों लपेटी है? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाए। बोलो। इसको बोलते हैं आइडियल कपलिंग। क्या बोलते हैं?
परसों नरसों आपको दिखाई देगा आइडियल कपलिंग। क्लियर, समझ में आ रही है? आज ही बता रहा हूँ, जब प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल कपलिंग। क्लियर, समझ में आई बात? आई बढ़ू, अच्छी बात है, आप महान है। हम लोगों के बीच में भी कपलिंग हो रही है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कपलिंग हो रही है। क्लियर, जिसका 100 में से 100 आ गया नंबर उसकी आइडियल कपलिंग है। मेरे साथ बोलो, यानी मैं जितना समझा रहा हूँ उतना पूरा की पूरा आपको समझ में आ रहा है, तो वो हो गई आइडियल कपलिंग। लेकिन यहाँ पर किसी को 10% समझ में आ रहा है, किसी को 20%, किसी को कुछ हुआ ही नहीं रहा है, तो क्या वो आइडियल कपलिंग है? नहीं है। कहानी समझ में आ रही है कपलिंग क्या होता है? लिसन एवरीवन, मोते कह रहा है जो सोलेनोइड है इनके लिए मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये स्टेप समझ में आ गया? फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, तो फाइव बराबर एन बी ए कॉस थीटा, एन टू बी वन ए कॉस बटे, शाबाश, बोलो देख के बोल रहे हो, अपने मूड पे हाथ धरेंगे, कहो देख के ना बोल रहे, पड़ोसी के मूड पे हाथ मत धरो बे, एम बराबर पड़ोसी तो बेहद ही जल के मर गो, एन टू अपॉन आई पी, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी कॉइल। चलो भैया सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता बच्चों, म्यू जीरो एन आई अपॉन एल। लिसन एवरीवन, एवरीवन, प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो एन की जगह आई की जगह वन भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने ऑलरेडी आई पी मान लिया इसलिए आई पी, ओके, एल की जगह। और अगर आप सोलेनोइड का लेंथ केवल एल माने तो एल भी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही, आ रही ये तू बैसो की बैसो, कॉस जीरो कितना हो गया, आई पी से आई पी, तो एम बराबर त्याई है लाला रे, म्यू जीरो एन वन एन टू ए टू अपॉन एल वन। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर आप यहां पर जो सेकेंडरी कॉइल है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मानती है और लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एल मानती है तो ये ए अपॉन एल आ जाता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आप मुझे बताओ कि मैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को बढ़ाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? एन वन मत बोलो, पूरी लैंग्वेज के फॉर्म में बोलो, नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल शुड इंक्रीज, हाँ, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल शुड इंक्रीजेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, लेंथ ऑफ द प्राइमरी सोलेनोइड डिक्रीजेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, इफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीजेस। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर? लिसन एवरीवन, आप लोगों को बता दूं जैसे ये चीजें हैं, अगर आप लोग इसे अलग अलग जगह अलग अलग टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, अलग अलग नोट्स पढ़ेंगे, किसी में ऐसे लिखा दिखाई देगा, किसी में आपको ये रिलेशन ऐसे दिखाई देगा, तो डरप मत जाइयो। क्लियर, इसका मतलब वो सेकेंडरी कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू मानने की बजाय ए मानना है, प्राइमरी कॉइल की लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एल वन मानने की बजाय एल मान रहा है, तो ऐसे डर मत जाना। समझ रहे ले? क्लियर है? पहले इतना पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया हुआ है, क्या नोट है वो देखिएगा ध्यान से। आपने आपके नोट्सों में जो दिया है m बराबर म्यू जीरो एन वन एन टू ए अपॉन एल, ऐसे दिया हुआ है। क्लियर, वैसे हम लोग चाहे जैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे किया मैंने तो ऐसे किया, यही आया था मेरा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ या जो तरीका आपके में दिया है वैसे भी कर सकते हैं। लिसन एवरीवन, यार मैंने बचपन में पढ़ा था यार, स्मॉल n बराबर कैपिटल n अपॉन l होता है, बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ा? स्मॉल n तो n1 बराबर n1 अपॉन l1, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा एन वन एल वन, और ऐसे ही एन टू बराबर एन टू एल टू, जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा, धर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, धर रहा हूँ, तो एम बराबर म्यू जीरो एन वन की जगह क्या रख दूँ, एन वन एल वन, एन टू की जगह एन टू एल टू, ये टू अपॉन एल वन, एल वन तो एल वन कट जाओ, तो एम बराबर क्या ही आ जाए ला ला रे म्यू जीरो एन वन एन टू ए टू
एल टू, कहानी समझ में आ रही है? अगर आप एल मानते तो यहाँ पर एल आ जाता, एरिया को ए मानते तो ए आ जाता, चाहे जैसे कर लो, बात ए गई है। कहानी समझ में आई आप लोगों? हाँ, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं, इसे मिटा दूं? नोट समझ में आता है? अगला क्वेश्चन बोले, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन है। डिफरेंस तो गया तेल लेने, पहले लिसन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली वो बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनके लिए बता रहा हूं, चूतियों का अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको याद है परसों नरसों मैंने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल बताया था, एल बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपॉन टू, अगर आपको याद हो तो। और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड बताया था म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये रिलेशन बताए थे। आज हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल्स पढ़ा था, म्यू जीरो एन वन एन टू पाई आर टू स्क्वायर अपॉन टू आर वन, ऐसा पढ़ा था कलम, आज ही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। और सॉलिनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने पढ़ा था म्यू जीरो एन वन एन टू ए टू अपॉन एल वन, सीन क्लियर है? अब भैया समझदारी वाली एक बात बता रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, चूतियों का अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। जो अच्छे बच्चे हैं न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी। तो जैसे अगर आप ये वाले नहीं करना चाहें तो चल जाएगा, पूछो क्यों चल जाएगा? क्योंकि ये जैते आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? देखो म्यू जीरो, म्यू जीरो एन इन टू एन एन स्क्वायर पाई पाई जा आर ते के स्क्वायर कटको नहीं आई, मैंने बोला ना समझदार के लिए सारा काफी है, चूतियों का अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। कुम होते जाओ पूछे जो वन टू कहाँ गए, जहाँ कहाँ गए तो मुझे ना मालूम कहाँ गए, क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? आइए इधर आइए, गौर से देखिए, म्यू जीरो वाह, क्लियर, समझ गए, कर पाओगे पक्का का? ठीक है, तो दुनिया वालों कल इतना पढ़ के आना है ना, ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।